हेलो गाइस, आई एम मधुलिका फ्रॉम मधुलिका आर्ट स्टूडियो। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एयर ड्राई क्ले बनाना बता रही हूँ, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। इस क्ले को बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ कॉर्न स्टार्च। मेजरमेंट के लिए मैंने एक कप लिया है, तो यहाँ पे मैं कॉर्न स्टार्च ले रही हूँ। वन कप कॉर्न स्टार्च ले रही हूँ मैं यहाँ पे। उसके बाद मैं यहाँ पे विनेगर यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी विनेगर इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो मेज़रमेंट के लिए स्पून लिया है मैंने। वन कप में मैं वन स्पून विनेगर ऐड कर रही हूँ। विनेगर मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये एक प्रिजर्वेटिव है, इसीलिए आपकी क्ले डो खराब नहीं होगी इससे। उसके बाद यहाँ पे मैं एक्रेलिक पेंट का यूज़ करूँगी। मैं यहाँ पे येलो कलर ले रही हूँ एक्रेलिक पेंट। आप कोई भी कलर का पेंट ले सकते हैं अपने पसंद के अकॉर्डिंग, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो। तो यहाँ पे मैं येलो कलर का पेंट ले रही हूँ। तो इस अमाउंट में मैंने यहाँ पे पेंट लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे लूँगी कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल में यहाँ पे 1 स्पून कोकोनट ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। मैं दोबारा से मेजरमेंट रिपीट कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप कॉर्नस्टार्च एंड ये स्पून को यूज़ किया है मैंने। विनेगर 1 स्पून एंड कोकोनट ऑयल 1 स्पून और मैंने थोड़ा सा पेंट लिया है एक्रेलिक पेंट। उसके बाद मैं यहाँ पे फेविकॉल यूज़ कर रही हूँ इसको बाइंड करने के लिए। इस तरह से आपको पूरा इसको मिक्स करना है। ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा क्ले है, तो आप अपने बच्चों को ये क्ले बना के दे सकते हैं उनके क्राफ्ट प्रोजेक्ट्स के लिए। यहाँ पे मैं फेविकॉल का यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे इस डो को बनाने के लिए फेविकॉल मिलाना है इसमें। फेविकॉल की क्वांटिटी आपके डो पे डिपेंड करती है, कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको इतना ही फेविकॉल लेना है। आपका डो बाइंड होना चाहिए, आपका ये फ्लावर पूरा बाइंड हो जाए उस क्वांटिटी में आपको फेविकॉल लेना है। तो थोड़ा थोड़ा करते हुए आपको इसको मिक्स करना है इस तरह से। तो मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करते हुए फेविकॉल डाल रही हूँ। आपको एक साथ में ज़्यादा नहीं मिलाना है, नहीं तो ये बहुत गीला हो जाएगा। अगर ये ज़्यादा हो गया तो ये गीला हो सकता है डो, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा इसको मिक्स करना है। आपको इस तरह से इसको मिक्स करते जाना है। ये अभी इस तरह से खट्टा हुआ है, तो थोड़ा सा और फेविकॉल इसमें लगेगा। ये देखिए, ज़्यादा गीला भी नहीं करना है। तो मैं थोड़ा और फेविकॉल इसमें मिक्स कर, तो देखिए थोड़ा बाइंड होना स्टार्ट हो गया है अभी। ये बहुत ही अच्छी क्ले है बच्चों, स्पेशली बच्चों के लिए। तो देखिए इस तरह से ये इकट्ठा हो गया ऑलमोस्ट। तो थोड़ा सा और मैं कोकोनट ऑयल ले रही हूँ यहाँ पे इसको मिक्स करने के लिए, और ये स्टिकी नहीं हो इसलिए यहाँ पे मैंने कोकोनट ऑयल लिया है। ये क्ले किड्स के लिए बहुत अच्छी है। इसे हाथों में, बच्चों के हाथों में इसमें कलर भी नहीं आता है, ये कलर भी नहीं छोड़ता है, तो बच्चे इससे इजीली अपने क्राफ्ट के प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। और ये एक एयर ड्राई क्ले है, तो आप अपने क्राफ्ट के कोई भी प्रोजेक्ट इससे बना सकते हैं। इसको स्टोर करने के लिए, जैसा मैंने बोला कि एयर ड्राई क्ले है, तो जैसे ये एयर के कांटेक्ट में आएगा ये ड्राई हो जाएगा। तो आपको जितनी भी अमाउंट में इस क्ले को लेना है उतना लेके दोबारा से आप इसको स्टोर कर दीजिए। स्टोर करने के लिए आपको कोई भी प्लास्टिक शीट, कोई भी प्लास्टिक शीट का आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर आप इस तरह से इसको रख दीजिए और कोई एयर टाइट कंटेनर में, और इस तरह से कोई भी एयर टाइट कंटेनर में आप इसको स्टोर कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपको क्ले का यूज़ हो उतना निकालिए, इस तरह से आप उसकी क्वांटिटी निकालिए। सपोज़ आपको इतना चाहिए इतना निकालिए और दोबारा से इसको
प्लास्टिक शीट में डाल के आप एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिए और इस तरह से आप कोई भी इसको शेप दे सकते हैं। मैं फ्लावर बना के आपको बता रही हूँ। इस तरह से तो आप भी ये क्ले बनाइए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए कि आपको कैसा लगा। है मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल यू देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।